नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट पे। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही आवश्यक सूचना लाया हूँ जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने उसके लिए ये वीडियो बना दी। देखिए, आप लोग देख चुके होंगे कि अभी तक ये कट ऑफ लिस्ट आ गई, उसके लिए आपकी ये लिंक भी आ चुकी है। मैं उस कट ऑफ को खोलता हूँ, आप यही देख सकते हैं। यहाँ पे जनरल की कट ऑफ आई है 225.03288, और OBC की आई है 216.74240, SC की आई है 187 के लगभग, और ST की आई है 153 के आसपास। तो मैं बता दूं कि ये जो आपकी कट ऑफ है, आपका कट ऑफ के पीछे ये जो पॉइंट वैल्यू आप देख रहे हैं, जो पॉइंट संख्या आप देख रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है जो आपके ये रिजल्ट है, इसके जो कट ऑफ आई है इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन मैंने एक वीडियो बना रखी है CBT के एग्ज़ाम को लेके, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं आपका नॉर्मलाइजेशन किस प्रोसेस से होता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपके जनरल में जो आपके आंसर की आई थी, आपके 200 से लेके 215 नंबर आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आप एग्ज़ाम के लिए इन है। ठीक है, और OBC वालों को बता दें, अगर आपके नंबर 195 से लेके 200 के पास आ रहे हैं, ठीक है, जो आपने आंसर की मैच की है, तो आप भी इन है। ठीक है, SC ST वालों के लिए भी ऐसा ही है कि मतलब 10-15 नंबर आप कम कर लीजिए, उसमें आप आ रहे हैं तो मतलब आप ये UPP के लिए एलिजिबल हैं, इस एग्ज़ाम के लिए इन है। तो आपको बता देख आप देख भी सकते होंगे, जैसे SC वालों की है 187, तो अगर उन्होंने उनके 160 भी आ रहे हैं, तो उनका चांस है कि वो UPP के लिए अगली दौड़ सकते हैं। ठीक है, SC वालों के लिए बताऊँ, जैसे 153 है उनका, अगर उनके आंसर की के हिसाब से 140 प्लस आ रहे हैं, तो 100% आप लिख लीजिए कि आप इन हैं। ठीक है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन से होता है क्या, जो आपके नंबर होते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। आप देख भी सकते हैं जो पॉइंट वैल्यू आ रही है, ऐसे रेलवे के CBT1 एग्ज़ाम में आया था, मतलब जो CBT1 एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करके आया था। ठीक है, तो मतलब आपके 10 से 15 नंबर आपके बढ़ना बढ़ना तय है। ठीक है, 10 से 15 नंबर बढ़ना तय है। जनरल वालों का अगर मैं फिर से बता देता हूँ, अगर 200 से 215 नंबर तक के बीच में आप आ रहे हैं, तो आप इन्हें आप तैयारी शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, हमको ये जानकारी देना आवश्यक लगा कि मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे, उन बच्चों ने पूछा सर मेरे 200 नंबर हैं, 215 नंबर। हमने कहा आप एग्ज़ाम जैसे ही लिंक आ जाए उतने दिन तक का थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, जैसे ही लिंक एक्टिव होती तो आप तुरंत आपको पता चल जाएगा आप इन है कि आउट है। मेरा मैंने अपने अपना भी बता दिया कि अगर आप 200 के या 215 के अंदर हैं, तो आप इन है UPP एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो आगे के एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, हम भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। आप भी हमारे वीडियो को शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप ये करेंगे देखिएगा, आपका शेयर लाइक सब्सक्राइब करेंगे देखिएगा, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।